अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू शाहीन किचन। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है, जो कि नोनी साग की रेसिपी है, जो कि बहुत ही वीआईपी रेसिपी है, जिसको चलिए आज नया तरीके से बनाना बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं नोनी साग, जिसको नोनिया साग भी बोला जाता है, वो मैंने 50 ग्राम्स मतलब कि आपका 500 ग्राम लिया है मैंने, हाफ के जी। इसको चलिए साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए नोनिया साग की जड़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है पूरा। अब इसको पानी से बहुत अच्छे से वॉश करना है आपको। यहाँ मैंने आपका 400 ग्राम बीफ का गोश्त ले लिया है, इसको मैंने मीडियम स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसके बाद 2 बड़े प्याज कट करके रख लिए हैं। उसके बाद मैंने गैस में यहाँ पे 200 ग्राम ऑयल डाला है। यहाँ पे चुटकी बराबर आपको ज़ीरा ऐड करना है। जीरा मेरा अच्छे से हल्का ब्राउन हो चुका है। उसके बाद जब हल्का सा ब्राउन हो जाए ना, तो यहाँ पे मुझे जो बड़े दो मैंने प्याज कट करके रखे हुए, तो आधा हन में मतलब हाफ प्याज इसमें मुझे फ्राई करना है। तो देखिए मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो मैंने मीट को यहाँ पे कट करके रखे हुए, जो कि साफ़ करके मैंने पानी से अच्छे से रख लिया हुआ है, जैसे कि प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मुझे सारे गोश्त को इसमें डाल देना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है ये प्रोसेस। लो फ्लेम पे गोश्त को अच्छे से प्याज में भून लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है थोड़ी सी चली जाए। तो प्याज में गोश्त भूनने के बाद ना गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मुझे इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर भर के गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट मैंने ऐड किया है। ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि मुझे इसमें साग ऐड करना है, तो ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, 1 टीस्पून ही काफ़ी होगा। चलिए तो आगे के मसाले दिखाती हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद मुझे यहाँ पे लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है यहाँ पे, आपकी ऑप्शनल है, कोई भी मिर्च आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं स्वाद के अनुसार। उसके बाद मुझे इसको चला देना है अच्छे से, ताकि मसाला मेरा नीचे ना लगे, तो इसको अच्छे से चला लीजिए। उसके बाद धीमी आंच पे इसको अच्छे से भूनना है। और इसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर कट करके रखे, उसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी कट किया है, तो उसको भी इसमें शामिल कर लेना है। और गोश्त को अच्छे से धीमी आंच पे टमाटर और गोश्त को अच्छे से भून लेना है, ताकि जो टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो। फ्रेंड्स देखिए, तो इसको धीमी आँच पर अच्छे से भून लेना है। देखिए तो मैंने खूब अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मीट मसाला एवरेस्ट का, जो कि ऑप्शनल है, वो आप ऐड भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है मैंने, देखिए अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के नमक ऐड किया है, टेस्ट के अनुसार आप नमक ऐड कर सकते हैं, जितना आपको जायके में पसंद है। तो इसको अच्छे से भून लीजिए। भून लेने के बाद यहाँ पे मुझे अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। देखिए मैंने 1 कप भर के पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि इसको 10 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देना है। देखिए तो पूरा 10 मिनट हो चुका है, मेरा गोश्त अच्छे से गल चुका है और पानी भी अच्छे से पूरा इसका सूख चुका है, और मैंने अच्छे से भून लिया है इसको। देखिए ऑयल भी अच्छे से अलग हो चुका है। तो अब यहाँ पे मुझे नोनिया साग जो मैंने एकदम साफ़ करके रखा हुआ है, जो कि धो के अच्छे से साफ़ करके मैंने रख दिया था, देखिए पूरा एकदम क्लीन हो चुका है, पूरा इसका मिट्टी मैंने अलग कर लिया धो के, और अच्छा सा पानी भी इसका छक चुका है। तो अब यहाँ पे मुझे गोश्त में जो है नोनिया साग को ऐड करना है। तो देखिए गोश्त पूरा अच्छे से रेडी है। अब यहाँ पे हम नोनिया साग को ऐड करते रहेंगे, जितने थोड़े थोड़े ऐड करके इसको गोश्त के मसालों में अच्छे से मिला लेना है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेरे उस चैनल को भी काइंडली फॉलो करिए। तो देखिए इसको धीमी आंच पे मुझे इसको अच्छे से भून लेना है, और 5 से 10 मिनट मुझे इसको बंद करके अच्छे से भुनाई कर लेना है। देखिए तो 10 मिनट हो चुका है, मेरा आधा नोनिया साग तो गल चुका है। ज़्यादा देर इसको ढक के कवर करना नहीं है, बस थोड़ी देर और मुझे इसको भुनना है। तो 5 मिनट के लिए फिर से मैं इसको ढक देती हूँ। तो 5 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं इसको देखती हूँ। देखिए बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है इसका, और अच्छे से भुन चुका, ऑयल भी छूट चुका है, और नोनिया साग पूरा अच्छे से डिज़र्व हो चुका है मसालों में। देखिए बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। यहाँ पे मेरा नोनिया साग लगभग पूरा 99% कुक हो चुका है। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसको रोटी चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। देखिए पूरा रेडी हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को मुझे यहाँ पे लो कर देना। देखिए मेरा नोनिया साग बन के पूरा रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म फ्रेंड्स सर्व करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। अपना ध्यान रखिए। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी फिर। अल्लाह हाफिज़।